राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी गोवर्धन महाराज जी की पूजा हमें किस तरीके से करनी है और क्या क्या सामग्री चाहिएगी। तो दोस्तों देखिए, गोवर्धन महाराज जी की आकृति बनाने के लिए हमने क्या सामग्री चाहिए और ये पूजा हमें किस टाइम करनी होती है। तो दोस्तों, ये पूजा हमें संध्या के टाइम करनी है, शाम के टाइम। और क्या क्या सामग्री चाहिएगी, तो वो भोग के लिए हमें खील पतासे चाहिए, गाय का गोबर हमें चाहिए जो बनाने के लिए जो हमें चाहिएगा, दूध थोड़ा सा चाहिए होता है, फूल ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए और थोड़ा सा दूध हमें चाहिएगा। तो गोवर्धन जो महाराज जी की पूजा है ना दोस्तों, हमारे घर के सबके ही घर के मतलब जैसे जेंट्स करते हैं ये पूजा, जेंट्स के हाथों से होती है और किसी किसी के यहाँ जैसे लेडीजें भी साथ में होती है तो वो करती हैं। और साथ में हमने गणेश जी महाराज सुपारी के रूप में रख लेने हैं और फिर हमने गोवर्धन महाराज जी की पूजा करनी है। तो गोवर्धन महाराज जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले दोस्तों, दूध हमें गोवर्धन महाराज जी के नाभि में मतलब सुंडी जो बोलते हैं ना, उसमें हमने डालना होता है। और उसको डालने के बाद में हमने दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमने तिलक कर देना है। जो चांद सूरज बनाए हैं उनको भी हम तिलक करेंगे, जो गणेश जी महाराज जी हमने सुपारी के रूप में रखे हैं उनको भी हम तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूप कपड़ा लगा देंगे और फिर सबको हम थोड़े से अक्षत भी समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही सरल विधि है। भोग के लिए हमने खील पतासे दे देने हैं और मिठाई का हमने भोग लगाना है। तो दोस्तों देखिए, भोग के लिए तो हमें पूरा जो 5 दिन पूजा होगी ना हमारी दिवाली की, वो हमारे खील पतासे से ही होगी। दक्षिणा हमने अवश्य रखनी है। और जो भी आप कढ़ाई करते हो, जैसे कि खील पतासे अपना, उसके अलावा जैसे कि होता है कि हलवा पूड़ी गुलगुले जो भी आप बनाते हो, और धूप दीप दिखा के हमने आरती करनी है। और दोस्तों हमने लगानी है परिक्रमा, क्योंकि गोवर्धन महाराज जी की हमने परिक्रमा अवश्य करनी होती है। तो अब थोड़ा सा जल डालते हुए हम 5, 7, 21 जैसे भी हो सके उस तरीके से हमने परिक्रमा करनी होती है। तो सारे जैसे कि अपने हाथ में खील लेके और फिर हमने परिक्रमा करनी होती है। जय हो गोवर्धन महाराज जी बोलते हुए हमने ये परिक्रमा अपनी पूरी करनी होती है। उसके बाद में दोस्तों, परिक्रमा करने के बाद में हमने जो हाथ में खील ली थी ना और जल का लोटा लिया था, जल का लोटा और खील हमने गोवर्धन महाराज जी के चरणों में छोड़ देनी है। तो इस तरीके से हमने ये पूजा अपनी संपन्न करनी है। और दोस्तों ये पूजा हाँ, जैसे कि आप लोग घर पे नहीं कर पाते हो तो हर मंदिर में गोवर्धन महाराज जी बनाए जाते हैं, पंडित जी ये बनाते हैं और ये पूजा मंदिरों में की जाती है। तो हमारे यहाँ पे ये पूजा मंदिर में होती है, लोग बाग अपने घरों पे भी करते हैं, लेकिन हम जैसे अपने घर पे नहीं करते हैं तो हम मंदिर में जाके और इस पूजा का अपना दर्शन करके आते हैं और ये पूजा अपनी संपन्न करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में देखिए, जो जल का लोटा है वो तो हम किसी भी गमले में डाल देंगे, जो दक्षिणा है वो किसी भी लड़के को हमारे यहाँ दान में दे देते हैं, या फिर आप पंडित जी को ही जैसे मंदिर में गए हो ना तो आप उनको दे के आ सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में हाथ जोड़ के हमने हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, अच्छे स्वास्थ्य अच्छे भविष्य के लिए गोवर्धन महाराज जी से प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से हमने अपनी ये पूजा संपन्न करनी होती है। और आपके यहाँ कैसे किस तरीके से गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है ये भी दोस्तों ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स करना। तो हमारे यहाँ पर हम मंदिर में जाके ये पूजा करते हैं, बाकी देखिए जिसकी जैसे रीति रिवाज हो उस हिसाब से। तो राधे राधे, जय गोवर्धन महाराज जी।